नमस्कार, मैं हूँ रमल ज्योतिषाचार्य के तारा कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2018, गुरुवार का दिन है और आज जो है चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार कर रहा है। विशाखा नक्षत्र जो है आज कब तक रहेगा, आज 10:12 तक, इसके बाद जो है दूसरा नक्षत्र जो है चालू हो जाएगा। चलिए आज हम आपको शुभ समय बताते हैं जिस समय आप दान पुण्य के लिए कुछ निकाल सकते हैं। तो आज जो है दान पुण्य का सबसे अच्छा जो समय है हमारा 6:00 से 8:35 तक का समय रहेगा। लंबा पीरियड है, आप जो है कुछ भी दान पुण्य का निकालना चाहते हैं, चाहे अन्न निकालना चाहते हैं या फिर धन निकालना चाहते हैं, तो आज निकाल दीजिए अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए। आज हम आपको खास उपाय ये बताएंगे, यदि चाहते हैं कि आपका गुरु शुभ रहे, गुरु अच्छा रहे, गुरु के लिए क्या करें खास उपाय, उस पर हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले बात करते हैं राशियों के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन क्या कहता है। मेष राशि वालों के लिए भाग्य का पासा ये कहता है, जो नंबर निकला है, नंबर है 2, 1, 4, 7 नंबर निकला है। मेष राशि वालों आज आपको ये बता दें, आज जो है आज आप कहीं विदेश यात्रा वगैरह के लिए कोई जाने की तैयारी करना चाहते हैं या कहीं अप्लाई करा हुआ है, वीजा वगैरह लगाना चाहते हैं, तो जाइए, आज आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर जाने से पहले एक काम करके जाइएगा, पक्षियों को आज आपने चावल, गीले चावल डाल के जाइए, आपके कार्य बन जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य के पास एक जो नंबर निकला है, मैं बता दूं, नंबर है 1, 2, 1। आज वृषभ राशि वालों हो सकता है व्यर्थ में आप जो है परेशान रहें, परेशानी जबकि कुछ भी नहीं होगी, मगर उसकी परेशानी आप अपने ऊपर दिमाग में जो है टेंशन ले लें, कुछ भी ऐसी समस्या ले लें जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, भाग्य के पास का जो नंबर आपके लिए निकला है वो बता दें, नंबर है 3, 2, 3, 8 नंबर निकला है। 8 नंबर के हिसाब से यहां बता दें, आज जो है काम का वजन तो है ही आपके ऊपर, बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा, बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, मगर वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, चाहे वो घर का हो या फिर ऑफिस का हो या फिर व्यापार का हो, मगर आपके लिए आज का दिन अच्छा ही रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य के पास का जो नंबर निकला है, नंबर 1, 1, 4, 6 नंबर निकला है। कर्क राशि वालों, आज जो है वैवाहिक जो लोग हैं, जिनके विवाह की बातचीत चल रही है, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। आज विवाह आदि की बातचीत करना चाहते हैं या प्रेमी प्रेम का आपस में भी जो है अपने परिवार के साथ में मिलकर विवाह की बातचीत करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आज जो है गुरुवार का दिन है, आपके प्रेम को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के पास का जो नंबर निकला है, नंबर 3, 2, 1, कुल मिला के ये नंबर को अगर हम काउंट करते हैं नंबर 6, तो यहाँ बता देते हैं सिंह राशि वालों, आज आपको क्या करना है, आज जो है आज कहीं धन की कोई आर्थिक जो कह सकते हैं लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, धन का कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक धन कहीं से मिलेगा जो आपको खुशखबरी दे सकता है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर जो निकला है, नंबर 3, 3, 4, 10, 1 हो गया सूर्य का। और यहाँ बता दें कि कन्या राशि वालों, आज जो है आपको क्या करना है, आज जो है जॉब वगैरह के लिए कहीं जाना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, तो जरूर जाइए। और जो घर के लोग हैं उनके लिए बता दें, आज जो है घर में कुछ जो है अपना समय व्यतीत, अपने घर में कुछ काम काज में समय ऐसा व्यतीत होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और शुभ होने वाला है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर जो निकला है, नंबर है 2। तुला राशि वालों, आपके राशि का ही नंबर निकला है, शुक्र का नंबर निकला है। शुक्र के लिए यहाँ बता दें, आज जो है दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय रहने वाला है, संतान की तरफ से भी आज आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, हो सकता है संतान की भी कोई शादी विवाह की बातचीत चले, वो भी आपको आज जो है बहुत ज़्यादा खुशखबरी दे सकती है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का जो नंबर निकला है, नंबर 1, 3, 5 निकला है। वृश्चिक राशि वालों, आज हम आपको बताएंगे आज आप क्या करें, आज जो है किसी से भी बातचीत करें तो थोड़ा सा अपनी वाणी पे जो है कह सकते हैं कठोरता नहीं लाएं, थोड़ा वाणी पे थोड़ा मिठास लाइए, फिर देखिए आपकी बातचीत बहुत अच्छे से होगी, अन्यथा जो है बातचीत बिगड़ सकती है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों क्या कहते हैं भाग्य के पास, नंबर 4, 3, 1, 8 निकला है। धनु राशि वालों, आज आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, कामकाज के सिलसिले से छोटी मोटी छोड़ के बड़ी यात्राएं भी आज आपके कब्जे में आने वाली है, हो सकता है कि बड़ी यात्रा आपको फायदे भी दे दे,
छोटी यात्रा तो अभी आजकल आप कर ही रहे हैं, मगर बड़ी यात्रा से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला, आपके लिए बेहतर भी रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि है हमारी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर निकला है 4, 3 और 4। अगर हम इसको काउंट करते हैं 11, 11 का हो गया 2, 2 नंबर। ये बता रहा है कि यहाँ पर मकर राशि वालों, आपके लिए जो है आज जो है माता की स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, या फिर जो संतान की इच्छुक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करें अगली राशि यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए जो नंबर निकला है, नंबर है 3, 4, 3, 10, 1 सूर्य का नंबर निकला है। कुंभ राशि वालों ये बता दें, आज जो है आपको अपने अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। क्यों? क्यों हो सकता है हृदय से संबंधित कुछ समस्या आपको हो जाए, कुछ दिल में कुछ ऐसी बात चुभ जाए, किसी की बात जो है आप अपने दिल पे लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए भाग्य का पासा का नंबर निकला है 1, 4, 6। मीन राशि वालों, आज जो है खरीदारी करने का बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा, मगर सोच समझ के खर्च जो है खरीदारी करिएगा। इसके साथ ही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा खर्च हो जाए, बाद में आपके हाथ में कुछ ना रहे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम आपको बताते हैं, आप चाहते हैं कि आपका गुरु अच्छा हो, गुरु की वजह से विवाह में अड़चन आ रही है, गुरु कमजोर है तो आपको पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो क्या करें? हल्दी डाल के एक तो स्नान करने से हमारा गुरु जो है प्रबल रहता है, केसर का तिलक लगाने से, केसर और हल्दी का थोड़ी सी एक छोटी सी कागज में पुड़िया बना लीजिए, पीले रंग के कागज में बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, अपने पास रखिएगा। मस्तक पे जो है केसर का रोज तिलक लगाया करें, जवान पे और नाभि पे लगा लिया करें, इससे हमारा गुरु तो प्रबल हो गई होगा। और हर गुरुवार के दिन चना और गुड़, ये दोनों चीजें लेके हल्दी लगाकर आपने आटे के पेड़ा ले लीजिएगा, उसके अंदर बंद करके गाय को खिलाइएगा, रोटी खिला सकते हैं या रोटी ऊपर रख के खिला सकते हैं। यकीन मानिए आपका गुरु प्रबल होगा, मन जो है आपका इतना प्रसन्न रहेगा हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई खुशखबरियां मिलती रहेंगे, चाहे वैवाहिक संबंध हो, चाहे वो आपका पद प्रतिष्ठा हो या धन से संबंधित सारी चीजें आपकी जो है प्रॉब्लम जो है आपकी दूर हो जाएगी। चलिए एक खास उपाय के साथ में और एक नए विषय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए मेरे साथ एस्ट्रो तक, मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव।